Main unit, 501 SU, was established on 1st March 1965 at Lightco Peak, Shillong. ये शिलोंग में ही नहीं पूरे मेघालय में हाईएस्ट लोकेशन है. 1964 में यहाँ पे एयरफोर्स ने एक रडार लगाया था. उसके बाद काफ़ी रडार चेंज हुए और अभी हमारे पास TSD 1955 रडार है जो कि 1995 में लगा था और अभी तक वहाँ पे ऑपरेशनल है. 2019 में हम अपग्रेड हुए टू एन ICCS नोड और तब से हमारा काम नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में काफ़ी बढ़ गया है और पूरे ईस्टर्न क्षेत्र के एयर डिफेंस के सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे नोड के थ्रू होता है. और सर, 71 वॉर में भी आपकी यूनिट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उसके बारे में हमें थोड़ा बता पाएंगे? जी, हमारे यूनिट का द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट वाज इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर व्हेन रडार वाज हैड द कवरेज ओवर ईस्ट पाकिस्तान ओवर द मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज एंड ऑल द एयर डिफेंस ऑपरेशंस वाज अंडरटेकन फ्रॉम दैट ऑप्शन. उस समय इसमें एक LDC था जो कि अभी चेंज होकर ICCS मोड बन गया है. इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट स्ट्राइक हुआ था गवर्नर ऑफ ढाका के घर पे, वो सारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल हैपेंड फ्रॉम द ऑप्स रूम इन 501 SU एयरफोर्स. सर, कितना एक गौरव और की क्षण होता है, ये प्राइड की बात होती है कि किसी भी यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर मिलना. ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे यूनिट के लिए, हमारे वेटरन्स के लिए, हमारे ऑफिसर एनआईएमएन जो पहले इस यूनिट में काम कर चुके हैं. इनफैक्ट दिस इज द 60th ईयर ऑफ रनिंग ऑफ आर यूनिट बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड नीड अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट जब हमें ये अवार्ड मिलेगा 8 मार्च को हिंडन में.